डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं इनवर्स फंक्शन हमारा। तो जैसे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, लेट्स से f, व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, इसको हमको नोट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब सुनना, मैंने क्या बोला, एक फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, और लेट्स से मैं सेट a के अंदर दो एलिमेंट ले रहा हूं, अल्फा वन एंड अल्फा टू, और सेट b के अंदर मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, बीटा वन एंड बीटा टू। अल्फा वन को बीटा वन से मैप किया और अल्फा टू को बीटा टू से मैप किया। तो फॉरवर्ड में मेरा तो फंक्शन f डिफाइन है, और रिवर्स में दिस इज माय f इनवर्स, ठीक है। ये हमने कल देखा था, मतलब पार्ट वन में देखा था। अब देखना, अब मैंने क्या किया, एक कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया। कंपोजिट फंक्शन मैंने लिया f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। क्या बोला मैंने, ये एक कंपोजिट फंक्शन है और इसको मैंने मान लिया लेट्स से h ऑफ x। सुनना ध्यान से, h ऑफ x, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, मैंने पहले मैं ये लिख लेता हूं f ऑफ अल्फा वन की वैल्यू। f ऑफ अल्फा वन क्या होगा मेरा, बीटा वन, और f इनवर्स जो इधर से इधर डिफाइन है, सेट b से सेट a, f इनवर्स ऑफ बीटा वन क्या हो जाएगा मेरा, नथिंग बट अल्फा वन। सिमिलरली f ऑफ अल्फा टू क्या होगा मेरा, बीटा टू, और f इनवर्स ऑफ बीटा टू मेरा क्या होगा, अल्फा टू। क्लियर है? आज मैं ये चीज यूज करने वाला हूं, इधर बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से सुनना बच्चों। अब मैंने बोला कि मैंने इसमें x की जगह लेट्स से अल्फा वन रखा, x की जगह अल्फा वन रखा, तो मैं देखता हूं क्या आता है हमारा, देखते हैं। तो मेरा ये हो जाएगा h ऑफ अल्फा वन, h ऑफ अल्फा वन इज इक्वल टू, जहां जहां x वहां अल्फा वन रख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ अल्फा वन। अच्छा देखो, f इनवर्स एक फंक्शन है, ये पूरा इसका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना, जो मैंने कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया है, f इनवर्स जो एक फंक्शन है उसका आर्ग्यूमेंट f x है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब f ऑफ अल्फा वन क्या है मेरा, बीटा वन, तो मेरा फाइनली ये किसमें कन्वर्ट हो गया, f इनवर्स ऑफ बीटा वन, और f इनवर्स ऑफ बीटा वन क्या है मेरा, अल्फा वन। तो फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिला, h ऑफ अल्फा वन के बराबर आ रहा है। सिमिलरली इफ यू कैलकुलेट h ऑफ अल्फा टू, दैट यू विल गेट f इनवर्स ऑफ f ऑफ अल्फा टू, which will be equals to f inverse of beta 2, and that will be equals to alpha 2. तो देखो क्या हो रहा है, ये मेरा identity function बन रहा है, क्योंकि जो input मैं डाल रहा हूं h में, जो हमारा composite function है, वही मुझे output मिल रहा है। तो इस conclusion से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं h of x will be identically equals to x, और h x है क्या मेरा, मैंने जो माना है f inverse of f of x, तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x मेरा h ऑफ x आ गया, विच इज इक्वल टू f, बट इतना लिखना सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लिखा f इनवर्स ऑफ f x x के बराबर है, इधर तो मैं कुछ भी x रख सकता हूं, बट इस वाले केस में तो ऐसा नहीं है, मुझे तो इधर अल्फा वन और अल्फा टू ही रखना पड़ेगा। तो मैं ऐड कर रहा हूं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f, जो अंदर वाला फंक्शन लिखा है, समझना ध्यान से, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि f इनवर्स ऑफ f x हमेशा x के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f, जो अंदर लिखा है। क्लियर है? समझ में आया? अब सिमिलरली मैं क्या करूं, अब इसको पलट देता हूं, अब मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो एक काम करो, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब करूंगा, ठीक है। अब मैं एक अलग कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, इधर तो मैंने कह लिया f इनवर्स ऑफ f x, अब मैं ले रहा हूं f ऑफ f इनवर्स x, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। मैंने बोला अब मैं क्या ले रहा हूं, लेट एच एक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं, एक नया फंक्शन है, ये पहले वाले से अलग है, इसमें क्या ले रहा हूं मैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब मैंने उल्टा कर दिया, जैसे कॉग एक्स होता है और उल्टा क्या हो जाता है, कॉफ एक्स, तो उसी प्रकार मैं एफ को बाहर लिख रहा हूं। तो सिमिलरली अगर मैंने इधर एक्स की जगह अल्फा वन रखा, अच्छा नहीं एक मिनट, एक्स की जगह मैं अब इधर क्या रखूंगा, बीटा वन, अल्फा वन पे तो डिफाइन ही नहीं होगा। अब देखो, अब एक्स की जगह बीटा वन रखूंगा तो क्या आएगा, ये एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बीटा वन, और f इनवर्स ऑफ बीटा वन क्या है मेरा, अल्फा वन, तो ये मेरा मुझे f ऑफ अल्फा वन, और f ऑफ अल्फा वन क्या है, बीटा वन, विच इज बीटा वन। तो देखो जो इनपुट दे रहा था वही मेरे को आउटपुट मिला, एज दिस इज अगेन आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब मैं लिख सकता हूं h ऑफ x मेरा क्या होगा, h ऑफ x मतलब क्या है मेरा, f ऑफ f इनवर्स x, दिस विल बी आइडेंटिकल इक्वल टू x, बट अगेन इतना लिखना सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू x फॉर सम पर्टिकुलर x, वो x क्या है, दैट फॉर For x belongs to domain of अंदर जो फंक्शन लिखा है f inverse का डोमेन, क्योंकि f inverse का डोमेन बीटा वन और बीटा टू है ना, और बीटा वन बीटा टू भी मैंने देखा है,
तो दिस इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई, ठीक है। कि अब मैं एक काम करते समरी करके लिख देता हूं मैं। मैंने देखा समरी में क्या लिखो, एक तो ये लिख लो एच एक्स हटा दो, तुम्हें अभी तो लिखना है, बट नेक्स्ट पॉइंट नोट करके जो मैंने समरी लिखा, जो अभी हमने देखा उसका समरी क्या होगा कि f इनवर्स एफ एक्स एक्स के बराबर है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f इनवर्स, और जो उससे पहले ड्राइव किया था हमने f इनवर्स ऑफ f ऑफ x भी x के बराबर है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू f x का जो डोमेन है दैट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2, तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f ऑफ x। तो दीस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्क्वायर बॉक्स में लिख लो, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है। कि हमारा ये दोनों क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, और नोट करके भी लिख लो, क्या लिखो, f ऑफ f इनवर्स x एंड f इनवर्स ऑफ fx। चलो मैं लिख ही देता हूं इधर, मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं डायग्राम को। मैंने क्या बोला, नोट करके क्या लिखेंगे हम, f ऑफ f इनवर्स x एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, द रीजन इज ये दोनों x के बराबर है, और हम रीजन इज y इज इक्वल टू x जो होता है ना इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन से मतलब है जो इनपुट दिया वही मेरा आउटपुट आ रहा है। मैं y इज इक्वल टू x को आइडेंटिटी फंक्शन बोलता, ये होता है, एंड सिंस दीज टू आर इक्वल टू x हेंस दीज बोथ आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर हुआ बच्चों, अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे इस चीज का, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और उसके बेसिस पे मेंस में भी दो तीन बार क्वेश्चन आया है। मैं तो मैं मेंस का क्वेश्चन भी कराऊंगा आज की क्लास में जो इसके बेसिस पे आया हुआ एग्जाम में, इवन एडवांस के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। ये पर्टिकुलर मतलब इनवर्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इनवर्स और एक कंपोजिट, ये दो जो टॉपिक है स्पेशली दे आर मेड फॉर एडवांस, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, इसका एप्लीकेशन देखते हैं, तो उसको भी हम नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो क्या है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने बोला अभी देखा हमने f ऑफ f इनवर्स x मेरा किसके बराबर होता है, x के बराबर, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f इनवर्स x, वो करेक्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया d/dx x के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट किया, तो अब इधर क्या है, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, तो इधर चेन रूल लगेगा, तो जिसको चेन रूल पता है वो समझ लेगा, जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट उसके भी हमारा काम चल जाएगा, एटलीस्ट हम लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा उसको मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। बट अगर जिसको चेन रूल पता है दे कैन पॉज द वीडियो एंड डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, ठीक है। चलो तो चेन रूल में क्या करते हैं, हम सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो बाहर मेरा क्या है f, तो इसका डिफरेंशिएट किया तो f डैश ऑफ, बाकी को एज इट इज लिख दिया f इनवर्स x इनटू, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और अंदर क्या लिखा है f इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू डैश मतलब डेरिवेटिव, दिस इज नॉट पावर, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ ये डैश है ऊपर, दिस इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव व्हिच इज सम, क्लियर है। अब इससे मेरा ये चीज आ जाएगी, मैं इसको इस साइड रखूंगा, इस वाले को उस साइड RHS में लेके जा रहा हूं, तो देखना फाइनली मुझे क्या मिला, f इनवर्स x का डेरिवेटिव डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ f इनवर्स x। अच्छा अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा, जैसे मुझे मान लो ऐसे लिखना है 1 अपॉन f ऑफ 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन fx एट x इज इक्वल टू 2, 1 एंड द सेम थिंग, क्या बोला मैंने, 1 अपॉन f2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन fx एट x इज इक्वल टू 2, मतलब x की जगह मैं 2 रख दूंगा तो ये चीज आ जाएगी। सिमिलरली आई कैन राइट दिस एज दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x वेयर माय x इज इक्वल टू f इनवर्स x। देखो इधर रखो x की जगह f इनवर्स x, तो यही चीज आ रही है, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर ड्राइविंग नाउ, यही मेरे को ड्राइव करना था, ये हमारा रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके वो भी हम अभी देखेंगे, अभी के लिए तुम्हारा टारगेट क्या है, इसको मेमोराइज करो। है क्या बेसिकली ये कि फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एफएक्स, ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि क्या होगा कि जैसे मैंने तुम्हें इनवर्स निकालने का तरीका तो बताया, बट क्या होगा कि बहुत से ऐसे एग्जांपल्स होते हैं या बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिनका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, जिनका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं है, द रीजन इज जैसे मैंने इनवर्स में तुम्हें बताया था कि हम निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ठीक है, हमने इनटू ऑन टू और 1 1 वेरीफाई कर लिया, उसके बाद हमारा क्या होता है एक्स और वाई को इंटरचेंज करते हैं, फिर जो उसके बाद वाला स्टेप है ना वो बहुत क्रिटिकल है, कौन सा, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो बहुत से क्वेश्चन में यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट,
तुम वाई को एक्स के टर्म्स में एक्सप्लेन मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्जांपल भी लेने वाला हूं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स. दिस इज इनवर्टेबल फंक्शन, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है बिकॉज अभी हम प्रूव करेंगे आगे जाके दिस इज वन वन एंड ऑन टू. बट वेन यू विल फाइंड इट्स इनवर्स ना तुम निकाल ही नहीं पाओगे. क्यों, क्या करोगे तुम, वाई को एक्स से रिप्लेस करोगे और एक्स को वाई से प्लस साइन वाई. नाउ यू कैन नॉट एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स क्योंकि इधर वाई साइन के साथ फंसा हुआ है. तुम अगर सोचो इस वाई को इधर लेके जाऊं फिर साइन इनवर्स लिख दूं तो इधर वाई एक्स के साथ आ जाएगा. मुझे क्या चाहिए, वाई एक जगह चाहिए और बाकी सारे टर्म्स एक्स की एक तरफ चाहिए. बट दैट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट सेग्रीगेट, ठीक है ना. तो इन सच सिचुएशंस क्या होगा, हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कि हम इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा है. अब हम इनवर्स तो निकाल नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स की मदद से इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे. तो लिख लो इसको अपने लैंग्वेज में, लिख लो दिस इज यूज टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स. ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, एक बार और, दिस इज यूज टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स. मतलब हमें एफ इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल लूंगा. ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं. उससे पहले तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो. तो मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, देखना. मैंने लिखा जैसे हमने एग्जाम्पल पहले भी लिया था कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू और इसका इनवर्स क्या होगा, अगर ये मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका जो इनवर्स होगा y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x क्या होगा, मेरा क्यूब रूट ऑफ x. निकाल के देख लो क्या करोगे तुम, x और y को इधर इंटरचेंज करोगे तो इधर x आएगा इधर y क्यूब आएगा. फिर मुझे y चाहिए तो क्या करूँ, क्यूब रूट थ्री वाला लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x. तो ये उसका इनवर्स हो गया. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स. ठीक है, तो देखो इसका क्या है, देखो क्या कर रहे हैं हम, इससे पहले वाला फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं कि करेक्ट आ रहा है या नहीं. तो फॉर्मूला क्या था, पहले वो लिख लिया, ये था कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एक्स का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स x. ये था फॉर्मूला इनवर्स का डेरिवेटिव. तो अब ये लगाया तो इसने क्या लिखा, वन अपॉन एफ एक्स, तो वन अपॉन एफ एक्स क्या है मेरा एक्स क्यूब, तो वन अपॉन एक्स क्यूब एट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स x और एफ इनवर्स x क्या है x की पावर वन बाय थ्री. तो इधर इधर जब एक मिनट को x की पावर वन बाय थ्री, ओके जस्ट अ सेकेंड, वन अपॉन सॉरी एफ डैश x था ना ये, वन अपॉन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स. तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विच इज थ्री एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स एक्स क्या है एक्स की पावर वन बाय थ्री. तो इधर रखा तो मेरा क्या आएगा, वन बाय थ्री एक्स की पावर टू बाय थ्री. क्लियर है बच्चों, तो ये मेरा आंसर आ गया. अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इतना कुछ ना करके डायरेक्टली तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो बिल्कुल करेंगे. इस केस में तो हम इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो मैंने इलस्ट्रेशन लेने के लिए इसलिए लिया कि तुम्हें समझ में आ जाए उस एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला. नहीं तो हम इसी को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वाला फॉर्मूला एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है डी बाई डी एक्स एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन. तो इससे क्या आ जाएगा, वन बाय थ्री एक्स की पावर वन बाय थ्री माइनस वन, तो विच इज इक्वल टू वन बाय थ्री एक्स की पावर टू बाय थ्री. तो देखो सेम आ रहा है. तो फिर बच्चा बोलेगा कि सर फिर यूज क्या है इस फॉर्मूले का, मतलब अभी आपने बोला था कि इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे तब यूज है, बट हमें तो इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ी, इधर तो इनवर्स रखा हमने इधर. वो कब काम आएगा ये फॉर्मूला, जब हमें किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव पूछा है इनवर्स का. कैसे, उसको हम समझते हैं अभी, ठीक है ना. चलो मैं वीडियो पॉज करो, तुम लोग इसको कॉपी करो. मैंने क्या बोला, इस पर्टिकुलर केस में तो ये मेथड काम नहीं आया, कहां काम आएगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मान लो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, इवन टीचर्स को कंफ्यूजिंग लगता है वो पार्ट. तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से देना, मैं अपना 100% दूंगा उसको समझाने के लिए. क्या बोला मैंने कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो वो इनवर्स का डेरिवेटिव एफ एक्स की मदद से निकालने वाला मेथड काम नहीं आया, उससे डायरेक्टली तो हमने क्या किया एफ इनवर्स एक्स को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया. वो तो सबसे बेस्ट बात है क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हम किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं. हाँ, इंटीग्रेशन वगैरह की लिमिटेशन है, इंटीग्रेट वी कैन नॉट इंटीग्रेट एवरी फंक्शन, बट एटलीस्ट वी कैन डिफरेंशिएट एवरी फंक्शन. अब सुनना मैंने क्या लिखा कि लेट्स से मेरे पास एफ एक्स है, ठीक है चलो एफ इनवर्स एक्स है, इस पे कोई पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा,
और इसका करस्पॉन्डिंग जो मेरा एफ एक्स है उस पर एक पॉइंट है ए वन, और लेट से वो मेरा उसके कोऑर्डिनेट, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हुआ, इसको पलट के लिखेंगे। अगर इस इधर अल्फा कॉमा बीटा लाई कर रहा है तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट इज ए वन, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बीटा कॉमा अल्फा वन, बीटा कॉमा अल्फा। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मान लो मुझे एग्जाम में आया फाइंड, जैसे मुझे ऐसा लिखा है फाइंड एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, डैश मतलब डेरिवेटिव एट पॉइंट ए, तो क्या करेंगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, उसको समझने के लिए पहले छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं। देखो जैसे मान लो मैंने तुम्हें एफ एक्स ऐसे दिया, लेट से एक्स स्क्वायर दिया, अभी इसकी बात नहीं चले, एक जनरल बात बता रहा हूं मैं, डोंट रिलेट, मतलब इससे अभी हम रिलेट नहीं कर रहा हूं मैं। मैंने बोला कि अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है और मुझे बोला जाए कि फाइंड एफ डैश, सॉरी एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू, तुम क्या करोगे? पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, और फिर एक्स जगह ये टू रख दोगे, तो यू विल गेट टू इंटू टू फोर, यही तरीका होता है। मतलब उसने बोला कि फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू, इट मींस कि हम इसके अंदर डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की क्या वाले क्या डालेंगे, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट डालेंगे इसमें। मतलब मुझे अगर डेरिवेटिव बोला, जैसे मैंने बोला फाइंड डेरिवेटिव एट, ऐसे ही मत लिखो, एट पॉइंट लिखो ए कोलन टू कॉमा थ्री, ऐसे लिखो तो और ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा, एफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर, फिर मैंने बोला फाइंड एफ डैश एक्स एट पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है टू कॉमा थ्री, तो आपने डिफरेंशिएट करने के बाद इधर एक्स को क्या रखा, टू रखा, थ्री नहीं रखा, टू रखा थ्री नहीं रखा, वही चीज इधर है वही। अब देखना इधर उल्टा आने वाला है, मतलब कहने का मतलब, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो देखो अब मेरे को पता है कि मैं कैसे निकालने वाला हूं। देखो अगर इनवर्स फंक्शन तुम निकाल पाए तो वेल एंड गुड, तुम ए का एक्स कोऑर्डिनेट उसमें रख दोगे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स। तो मैंने बोला दिस इज वन अपॉन एफ डैश एक्स। अब मेन आता है मैं इधर एक्स क्या रखूं, एक्स क्या रखूं मैं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या बोलते हैं इसको कि एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है ए पॉइंट पे, तो ए का कोऑर्डिनेट रख दो एक्स इज इक्वल टू अल्फा, विच इज रॉन्ग, क्योंकि मैं इनवर्स को इनवर्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं निकाल रहा हूं। तब तो मैं क्या करता, जो इनवर्स का एक्सप्रेशन होता उसमें उसको डिफरेंशिएट, अगर वो मेरे को ऑब्टेनेबल होता तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके फिर मैं अल्फा रखता, बट इधर मुझे क्या रखना है, अभी डेफिनेशन क्या थी उधर, उधर मेरी डेफिनेशन थी एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स, बट इधर क्या था एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, आई शुड, ये लिख लो तुम पहले, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ऐसे करके लिख लो, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स अल्फा विच इज नथिंग बट बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मुझे इधर क्या रखना होगा, वाई कोऑर्डिनेट रखना होगा इनवर्स का। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चंस में तुम्हें देगा फाइंड एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो तुम्हें डिफरेंश इधर तुम्हें फिर टू नहीं रखना, टू के करस्पॉन्डिंग जो वाई आ रहा है वो रखना है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, इधर ध्यान से रख लिख लो, इधर दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इनवर्स एक्स, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं और एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एफ एक्स, ऑफ करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एफ एक्स, दिख रहा है ना, क्योंकि बीटा क्या मेरा इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर बोलो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इनवर्स एक्स, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ एक्स उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट का। क्लियर है बच्चों? तो डोंट मेक अ मिस्टेक। देखो अभी एग्जांपल कराऊंगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बट बहुत से बच्चों को इधर कंफ्यूजन होता है और हैवी कंफ्यूजन वाला बात है, ठीक है ना, लिटरली है, बट तुम्हें नहीं रखना है कंफ्यूजन। क्या बोला मैंने, वन अपॉन एफ डैश एक्स रखेंगे, वो बोलेगा कि एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालो एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो तुम्हें इधर डिफरेंशिएट करके टू नहीं रखना है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो कब रखते हैं जब हम एफ इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। अभी हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एफ एक्स की मदद से निकाल रहे हैं, तो इधर एफ एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा करस्पॉन्डिंग पॉइंट का, या फिर ऐसे बोलो एफ इनवर्स एक्स का वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है।
चलो अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो तो मैं रब कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ये बोल सकता हूं अभी तक जितना ही फंक्शन में पढ़ा ना, ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ना, ये डेरिवेटिव वाला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड मतलब मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है ये। ठीक है चलो अब मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं, तो देखना पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर उसके बाद थोड़ा और बेटर एग्जाम्पल। पहले मैंने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दिस इज केम इन जी मीन्स, देखो इफ जी इज द इनवर्स इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ एंड एफ डैश एक्स उसने दे दिया, इट इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फाइव, देन जी डैश एक्स इज इक्वल टू और ऑप्शंस में दिया है तुम्हारा 1 प्लस एक्स की पावर 5, बी पार्ट इज 5 एक्स की पावर 4, सी पार्ट इज 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एक्स का होल की पावर 5 एंड डी पार्ट इज 1 प्लस, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, केवल एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला, मेंस में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है तो देखते हैं हम इसको, तुम लोग वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई कर लो। तो अब देखना क्या बोला उसने, जी एफ एक्स का इनवर्स है और मुझे पूछा है जी डैश एक्स, मतलब इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा है, तो जी डैश एक्स क्या होगा बेसिकली फॉर्मूले से, वन अपॉन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यही होता है, यही डायरेक्ट फॉर्मूला था। अब मैंने लिखा तो वन अपॉन एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स क्या दे रखा है, वन अपॉन एक्स की पावर फाइव, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फाइव एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो फाइनली ये मेरा मिला वन प्लस एक्स की पावर फाइव एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अब क्या करें, इधर एफ इनवर्स एक्स तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज उसने जी एक्स यूज किया है ना, और जी एक्स क्या है बेसिकली एफ एक्स का इनवर्स है, तो इधर एफ इनवर्स एक्स की, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं जी एक्स, तो फाइनली आंसर क्या मिला, वन प्लस जी ऑफ एक्स की पावर फाइव, दैट मीन्स ऑप्शन डी। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन आया, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बल्कि नहीं आता है। ठीक है चलो अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है तो अगेन पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है मंडे तक अपना फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली, और ट्यूजडे से मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे या फिर एक आध दिन ऊपर नीचे होगा। ठीक है और लगातार फंक्शन की प्रैक्टिस करते रहना, मैं शीट देते जा रहा हूं डेली। ठीक है ना, अच्छा अब देखो क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स एंड एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, देन फाइंड डेरिवेटिव। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एडवांस में भी यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस। फाइंड डेरिवेटिव फॉर एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट पाई और सेकेंड पार्ट पाई बाय टू प्लस वन। तो अगर तुम्हें करना है ट्राई, तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छी बात। मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं, तो सुनना, उसने बोला है कि एफ एक्स ये है, एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा है। तो पहले देखो, पहला काम तो क्या होगा कि मैं ये देख लूं क्या ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, उसके बाद हम डेरिवेटिव की बात करेंगे ना। अगर मान लो ये इन्वर्टेबल ही नहीं है, मतलब वन वन और ऑन टू नहीं है, तो मैं वही खत्म कर दूंगा क्वेश्चन की इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट फाइंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की बात तो जब आएगी ना, जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो मैंने बोला पहले हम वेरीफाई करते हैं दिस इज इन्वर्टेबल और नॉट, तो उसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वन वन एंड ऑन टू। तो वन वन के लिए मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया इसको, this is 1 plus sin x, 1 plus cos x, which we know it is always greater than equal to 0, क्योंकि ये तो minus 1 से 1 के बीच में लाइक करेगा। अगर derivative हमें sin change नहीं कर रहा है, तो function क्या हो गया, 1 1, hence 1 1, simple। अब हम onto की बात कर लेते हैं, onto के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, range निकालना पड़ेगा, अगर वो codomain के बराबर आ गई, तो onto होगा। तो for range, you can see, ये भी continuous है, ये भी continuous है। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, मेरा ये कंटिन्यूस होगा पहली बात, तो
कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, उससे पहले हमने देखी कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। अब याद करो मैंने रेंज में एक मेथड बताया था कि अगर कंटिन्यूस है प्लस इंक्रीजिंग है, इन दोनों कंडीशन को क्लब करके मैं क्या बोल सकता हूं, अगर डोमेन अल्फा से बीटा है तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, एफ अल्फा से एस बीटा। ये बताया था तुम्हें, अगर डोमेन अल्फा से बीटा है तो रेंज क्या हो जाएगा, एफ अल्फा से एफ बीटा। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, एफ ऑफ अल्फा मतलब डोमेन क्या है मेरा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी आएगी, देखो माइनस इंफिनिटी पे ये माइनस इंफिनिटी जाएगा और ये तो माइनस वन और प्लस वन के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। तो ओवरऑल अगर एक्स मेरा माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो मेरा एफ एक्स कहां जाएगा, दिस विल ऑल्सो गो टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, और अगर एक्स मेरा इंफिनिटी को जाएगा तो अगेन एक्स इंफिनिटी को जाएगा, साइन एक्स अगेन माइनस वन और वन के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, तो ओवरऑल मेरा फंक्शन की वैल्यू कहां जाएगी, इंफिनिटी की तरफ। तो रेंज क्या हो गया मेरा, एफ अल्फा से एफ बीटा मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो गया, इसका मतलब क्या है, आर हो गया और कोडोमेन क्या दिया है, आर दिया है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो वन वन प्रूफ कर दिया, ऑन टू प्रूफ कर दिया, दैट मींस फंक्शन इज इनवर्टेबल, इनवर्टेबल है। तो बस फिर अब हम आगे डेरिवेटिव निकालेंगे उसका, क्लियर है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करो, तुम लोग इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो मैंने प्रूफ कर दिया अभी तक कि फंक्शन इज इनवर्टेबल, ठीक है। चलो अब इनवर्स पे आते हैं, तो देखना उसने क्या बोला है कि इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो एट एक्स इक्वल टू पाई। तो लिखते हैं हम एफ इनवर्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये था हमारा आंसर। फिर मैंने तुम्हें इधर क्या बताया था कि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ f इनवर्स x, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको और क्या बोल सकते हैं, और x कोऑर्डिनेट ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एफ एक्स, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, फिर मैंने क्या किया, वन अपॉन एफ डैश एक्स, तो मेरा अब सुनना, अब एक्चुअली क्या दिक्कत है कि अब मुझे भी y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला है उसने बोला एट x इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x is equal to pi is x coordinate, but मुझे y नहीं दिया directly, तो यही तो main task होता है। अब क्या है, तो मैं ऐसे नहीं करना, देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे जल्दी में, one upon f dash x, और f dash x क्या है, one plus cos x, और इसमें x की जगह pi रख देंगे, which is wrong। अगर तुमने सोचा ये pi मैंने इधर रखा, ये वाला pi, तो गलत है 100%। मुझे इधर x coordinate नहीं रखना है inverse का, y coordinate रखना है, यही main critical point था। तो अब क्या करें, मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करें हम निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो इसने जो इनवर्स है वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर मैंने बोला f इनवर्स x, जिस पॉइंट पे मुझे डेरिवेटिव निकालना है, लेट्स से वो पॉइंट a है, उसका x कोऑर्डिनेट पाई है, और मैंने मान लिया y कोऑर्डिनेट लेट्स से अल्फा है, अल्फा का यूज तो नहीं किया, नहीं किया, चलो अल्फा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा एफ एक्स पे क्या होगा, दैट इज पॉइंट b, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अल्फा कॉमा पाई, यही ट्विस्ट है। मुझे मेरा टारगेट क्या अल्फा निकालना है, मैं एफ एक्स की मदद से निकालूंगा, ठीक है। अब देखना, तो मैंने ये कोऑर्डिनेट्स एफ एक्स में रख दिए, तो मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, तो इधर से मेरा एफ एक्स कितना है पाई, तो दिस इज पाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है तो छोटा ही, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं अच्छा मेन पॉइंट है। अब अल्फा कैसे निकालें, देखो एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बहुत मुश्किल है, मतलब कोई मेथड प्रोसीजरल मेथड तो नहीं होगा, हमें ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो अब ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा, अब मैं ऑब्जर्वेशन से बोल सकता हूं क्या, एंड अगेन अगर ऐसा एग्जांपल आ रहा है एग्जाम में तो पक्का यू कैन फाइंड अल्फा विद ऑब्जर्वेशन। तो मैं इधर लिखूंगा बाय ऑब्जर्वेशन, तुम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिख लिया हो तो बता कुछ से करो, बाय ऑब्जर्वेशन में बोल सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू पाई, देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं, पाई प्लस साइन पाई जीरो, तो पाई इज इक्वल टू पाई, तो मतलब अल्फा पाई, अल्फा इज पाई। अब कोई दिमाग में आएगा नहीं सर वो तो ऑब्जर्वेशन से तुम्हें पाई निकला, हो सकता है कुछ और भी निकल जाए, मैं तो एक तुक्का मारा कि चलो पाई लगा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, बट एक्स की और भी वैल्यूज तो आ सकती है, एक्स की और वैल्यूज नहीं आएंगी, द रीजन इज द फंक्शन इज इनवर्टेबल, इनवर्टेबल एक्स का मतलब वन वन है, तो मतलब एक वाई मुझे एक एक्स के लिए मिलेगा और एक एक्स तो मुझे मिल गया, सिंस द फंक्शन इज वन वन, तो
जो मेरा वाई है जो आ रहा है पाई, वो किसी एक अल्फा के लिए मिलेगा और मैंने एक ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया पाई, इसका मतलब अल्फा कोई और होगा ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे। क्लियर है? तो बस अब मैं क्या करूं, अब मैं ये पाई, अब किस्मत से क्या हुआ, लकीली क्या हुआ, इधर भी पाई रख रहे थे हम, बट वो पाई रखना गलत था, वो हम इधर से उठा के रख रहे थे, मैं ये वाला पाई रख रहा हूं। ये मेरा क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ जिस पॉइंट पे मुझे f इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है। क्योंकि क्यों ऐसा कर रहा है, y कोऑर्डिनेट क्यों रख रहा है, बिकॉज़ fx की मदद से निकाल रहे हैं ना, हम इनवर्स नहीं निकाल सकते इसमें, दैट यू कैन ट्राई, तुम इसमें इनवर्स निकालने की कोशिश करो, नहीं निकाल पाओगे, क्या करोगे, इसे लिखोगे x is equal to y plus sin y। Now you cannot express y in terms of x, तुम इनवर्स निकाल ही नहीं पाओगे, इसलिए हम इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम सेकंड पार्ट पे जंप करते हैं, ठीक है? तो अच्छा आप चलो रख तो देते हैं इसमें वैल्यू, तो मेरा क्या आया, 1 अपॉन 1 प्लस cos पाई, cos पाई कितना होता है -1, तो 1 माइनस 1 0, तो 1 अपॉन 0 मतलब अनडिफाइंड, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, चलो अब मैं निकालता हूं पाई बाई 2 प्लस 1 पे, अगर तुम्हारा मेथड क्लियर हो गया हो तो पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, तो इतना पार्ट तो सेम रहेगा, 1 अपॉन cos x, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ये हटा देते हैं, ठीक है, इतना पार्ट सेम रहेगा, ये तो मेरा लिखना ही है मुझे। अब अगेन, अब उसने दिया है f इनवर्स x, जो पॉइंट है उस पे, एक पॉइंट पे रखा है, उसका x कोऑर्डिनेट पाई बाय 2 प्लस 1 दे रखा है, बट मैं पाई बाय 2 प्लस 1 इधर नहीं रखूंगा, डोंट मेक अ मिस्टेक, इधर पाई बाय 2 प्लस 1 नहीं रखना है, इसके कर, इसका जो y कोऑर्डिनेट है ना इनवर्स का, वो रखना है मुझे। वो निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, fx की मदद से निकालना है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है fx के ऊपर, वो मेरा क्या होगा, y कॉमा पाई बाय 2 प्लस 1। अब ये कोऑर्डिनेट में एफ एक्स में रख देता हूं, तो मेरा क्या आएगा इधर, पाई बाय 2, सॉरी हाँ पाई बाय 2 प्लस 1 हाँ इज इक्वल टू वाई प्लस साइन वाई। ठीक है, वाई की जगह तुम अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर बीटा लिख लो, ठीक है ना, इफ यू आर कंफ्यूजिंग देन राइट इट डाउन बीटा। अच्छा अब अगेन क्या करूं मैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रे के डायरेक्टली कोई प्रोसीजर तो है नहीं, अगेन मुझे ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा, एंड आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया होगा। द ऑब्जर्वेशन से क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, देखो रख के पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 इज 1, तो 1 प्लस, फिर अगेन सेम रीजन कि ये तो ऑब्जर्वेशन से निकला, अगर कोई और वाई हो सकता है क्या, नहीं और कोई नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन मेरा क्या है, 1 1 है ना, एक वाई मुझे मिल रहा है, केवल एक एक्स के लिए मिलेगा। ठीक है, तो एक्स इज वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 मिल गया, तो मैं इधर इधर रख दूंगा पाई बाय 2, तो मेरा क्या आया, डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस cos पाई बाय 2 व्हिच इज 0, हिज आंसर इज 1। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मैंने बोला है ना उतना अगर ध्यान से सुना होगा तो अगर इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं।